नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी लोगों का ऑनलाइन बैच में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों बहुत अच्छा एडमिशन हुआ, बहुत बच्चे जुड़े, बहुत ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया और दोस्तों आप लोगों ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया, आप लोगों ने जो जिम्मेदारी मुझको दी उसको मैं बेखूबी कोशिश करूंगा कि आपको 100% दूं, भरपूर आपके साथ मेहनत करूंगा। दोस्तों बस आप लोगों को एक काम आज से करना है, मेरे साथ इस ऑनलाइन के सफर में अगर आपको चलना है तो दोस्तों आपको अपने आप को डेली पॉलिश करना होगा। पॉलिश मतलब डेली अपने आप को एक्टिव रखना होगा, हेल्दी रखना होगा, क्योंकि यह सफर हमारा 3 से 4 महीने का दोस्तों चलेगा और इसमें मैं बेसिक से लेकर के बेसिक एकदम बेसिक से उठाऊंगा और दोस्तों एकदम टॉप पर ले जाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी एग्जाम आप निकालने में सक्षम हो जाएं वनडे एग्जाम का। दोस्तों मैं समझता हूं रीजनिंग मतलब सिर्फ रीजनिंग, मैथ मतलब मैथ। अगर आपने रीजनिंग एक बार पढ़ ली और अच्छे से पढ़ ली तो दोस्तों आपको हर बार किसी कोचिंग में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आज मैं आपको रीजनिंग के बारे में या उसके सिलेबस के बारे में अवगत करा देता हूं। सभी लोग ध्यान से और कंसंट्रेट होकर के सुनिए। दोस्तों आप लोगों ने पैसा दिया है, माता पिता का बहुत मेहनत का पैसा है दोस्तों जो आप लोगों ने मुझे दिया। मैं कोशिश करूंगा कि जिस उम्मीद से आपने ऑनलाइन बैच में एडमिशन लिया मैं उस उम्मीद पर खरा उतर सकूं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, समय व्यतीत ना करते हुए पहला मार्कर चलाता हूं ऑनलाइन के सफर में। आइए दोस्तों सबसे पहले रीजनिंग, सबसे पहले रीजनिंग, राइट। दोस्तों व्हाट इज रीजनिंग, रीजनिंग क्या होती है? तो दोस्तों रीजनिंग मतलब क्या होता है? रीजन, रीजनिंग मतलब क्या है? रीजन। अगर कोई इसकी परिभाषा पूछ लेता है कि रीजनिंग किसे कहते हैं तो दोस्तों सही कारणों को जानना, सही कारणों को जानना ही रीजनिंग है। मतलब आप किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, देन रीजनिंग। उसका आप रीजन जान जाते हैं, देन रीजनिंग। क्लियर दोस्तों? तो इसकी परिभाषा आज से क्या हो गई? सही कारणों को जानना ही रीजनिंग है। अब सही कारण आप कब जानेंगे? जब आपके पास तर्क शक्ति होगी, जब आपके पास दोस्तों तर्क शक्ति होगी या सोचने की क्षमता होगी, एनालिसिस करने की क्षमता होगी, तभी तो आप किसी चीज के बारे में क्वेश्चन मार्क लगा पाएंगे। दोस्तों दूसरी बात, एक चीज मैं आपको और कंफर्म कर देता हूं कि रीजनिंग की परिभाषा आपको पता चल गई, सही कारणों को जानना ही रीजनिंग है। दूसरा दोस्तों रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आपने बीए किससे किया है? रीजनिंग से। आपने बीएससी में रीजनिंग लिया था? नहीं लिया था। तो रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं था, बस तर्क शक्ति का विकास करने के लिए या आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, सोचने की क्षमता को जनरेट करने के लिए क्या आया दोस्तों?
रीजनिंग आया। रीजनिंग दोस्तों है क्या? रीजनिंग कलेक्शन है। रीजनिंग क्या है? कलेक्शन है, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन। जैसे आपका मैथ्स का कलेक्शन, मैथ्स से इसमें बहुत सारे चैप्टर डाले गए दोस्तों। जैसे कैलेंडर, जैसे कैलेंडर मैथमेटिक्स से लाया गया। दूसरा क्लॉक, घड़ी का भी पोर्शन मैथमेटिक्स से लाया गया दोस्तों। इसमें एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम आयु संबंधी मैथ से लाया गया। सीरीज, इसमें आपकी सीरीज, सीरीज या श्रेणी किससे लाया गया? मैथ से लाया गया। तो दोस्तों ये मैथमेटिक्स का कलेक्शन है। ये किस्से और कहानी, किस्से और कहानी मतलब पुराने जमाने में आप जिसको पहेली कहते हैं, पजल्स, इसमें क्या है? इसमें पजल, इसमें पजल को जोड़ा गया, इसमें स्टेटमेंट को जोड़ा गया और इससे एक चीज तैयार हुई जिसका नाम दिया गया रीजनिंग। बहुत जगह से कॉन्सेप्ट उठाए गए जिसमें तर्क शक्ति का प्रयोग होता है, उसको क्या कहा गया? रीजनिंग। क्लियर दोस्तों? अब रीजनिंग हमने जान ली कि सही कारणों को जानना ही रीजनिंग है, सही कारणों को जानना ही रीजनिंग है। अब रीजनिंग कलेक्शन है मैथमेटिक्स, पजल का, किस्से, कहानी, क्लियर, डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो अब दोस्तों रीजनिंग, रीजनिंग हमारी दो टाइप से बांटी गई है, या दो टाइप्स रीजनिंग के जो टाइप रखे गए वो दो टाइप के रखे गए। नंबर एक दोस्तों क्या हुआ? वर्बल। नंबर पहला वर्बल और दूसरा हमारा हुआ नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल। अब दोस्तों रीजनिंग दो पार्ट में बटी, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। अब व्हाट इज वर्बल? वर्बल का मतलब भाषीय और इसका नॉन वर्बल का मतलब आभासीय। तो भाषा का मतलब, भाषी मतलब क्या होता है? जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाए। आभासी का मतलब क्या होता है? जिसमें भाषा का प्रयोग ना किया जाए। जैसे दोस्तों अब यहां पर देख लेते हैं कि वर्बल, अब वर्बल में क्या है? वर्बल का मैं पहला, वर्बल में जो हमारा आएगा स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म मतलब कोई चीज बोल करके कहना, इधर आओ, उधर जाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो ये हमने क्या किया? स्टेटमेंट, कोई चीज बोला। दोस्तों वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, यूज किस लिए होती है? कम्युनिकेशन के लिए, या एक दूसरे की संवाद के लिए, एक दूसरे को दूसरी बात पहुंचाने के लिए या उसकी बात अपने तक लाने के लिए। तो दोस्तों क्या होगा? एक तो हम उससे कहेंगे कि क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉर्म। और दूसरा दोस्तों हो जाएगा अल्फाबेटिकल फॉर्म, दूसरा हो जाएगा अल्फाबेटिकल फॉर्म, दूसरा हो जाएगा अल्फाबेटिकल फॉर्म या वर्णमाला का। जैसे हम आपको लिख देंगे कम हेयर, वो 26 वर्ड अंग्रेजी के जिससे दुनिया का हर एक नेम बना हुआ है। तो हमने क्या किया है? अल्फाबेटिकल फॉर्म। फिर तीसरा फॉर्म क्या इसमें आ जाएगा? नंबर फॉर्म। इसमें क्या आ जाएगा? नंबर फॉर्म। नंबर मतलब जैसे दशमिक प्रणाली सिस्टम, दशमिक प्रणाली मतलब जीरो से लेकर के 9 तक की संख्या, क्लियर, नंबर फॉर्म जिससे पूरा कोई भी अंक बनता है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? नंबर फॉर्म। और चौथा इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा? कोडिंग एंड डिकोडिंग फॉर्म, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग फॉर्म। अब कोडिंग और डिकोडिंग क्या होगा? ये इस तरीके से होगा जैसे 2G, 3G, 4G एंड 5G। अब दोस्तों वर्बल, वर्बल कितने तरीके से बटी होगी या वर्बल में क्या पार्ट होगा? स्टेटमेंट फॉर्म, कोई थ्योरी लिखी होगी, वो हिंदी में भी होगी, वो अंग्रेजी में भी होगी। दूसरा अल्फाबेट का प्रयोग होकर के वर्णमाला का कोई चीज लिखी होगी। नंबर फॉर्म का गिनती, जिसको कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5। फिर हमारा कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें क्या होगा? सेंस जनरेट होगा। जैसे कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स स्टूडेंट के पास 6 सेंस जनरेट होता है। 6 सेंस मतलब उसे आने वाले स्टेप के बारे में पहले से पता चल जाता है कि इसके बाद ये अपने ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे। तो दोस्तों 4 हो गए। अब देखिए वर्बल, वर्बल में जो चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा वो लगभग दोस्तों 30 चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा।
और 30 चैप्टर में जो आते हैं लगभग 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये फिक्स नहीं कह सकते, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। और दोस्तों फिर हमारा आता है नॉन वर्बल, तो पहले हम वर्बल पे चर्चा कर लें कि वर्बल हमारे चार तरीके से होंगे, कम्युनिकेशन के जरिया कम्युनिकेशन कैसे हम कर सकते हैं चार तरीके से। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों को अभी क्लियर नहीं होगा, अगर मैं एक एग्जांपल उठा लूं तो देखिए एक बहुत अच्छा प्यारा सा एग्जांपल उठाता हूं, स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म का मतलब क्या है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं, क्लियर। तो दोस्तों ये क्या हो गया, पूरा हमने स्टेटमेंट लिख के दिया, ये हमने पूरा लिख के दिया, कहने का मतलब है कि ये हमने पूरा स्टेटमेंट फॉर्म लिख के दिया। इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं दादा और दादी, इसको मान लेते हैं दादा और दादी के जमाने में क्या था, मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं, ध्यान से समझिए। दूसरा है अल्फाबेटिकल फॉर्म, जब अल्फाबेटिकल फॉर्म आया तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं आई लव यू, आई लव यू। ये अगर हम आगे की जनरेशन पर चले तो ये कौन हो जाएंगे, मॉम एंड डैड, मॉम एंड डैड। जस्ट नेक्स्ट जनरेशन में अभी देखिए काम सेम हो रहा है, ये अल्फाबेटिकल फॉर्म। तीसरा नंबर फॉर्म, अगर नंबर फॉर्म पे हम चलते हैं तो नंबर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 143, 143 दोस्तों मतलब एक ही है, 143 ये क्या है, सेल्फ, यू एंड मी, हम और आप, नेक्स्ट जनरेशन माता पिता के बाद हमारे लोगों की जनरेशन, यानी कि क्या हो जाएगा, सेल्फ, हम लोगों की जनरेशन क्या यूज करी, 143। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है जिसको कोडिंग एंड डिकोडिंग फॉर्म, कोडिंग मतलब कोड वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो इसमें जैसे हमने लिख दिया एडीसी, क्या लिखा, एडीसी, ये नया वर्ड है अभी। अब देखो दोस्तों एडीसी मतलब इसका भी मतलब क्या होता है, आई लव यू, क्यों, ए मतलब वन, ए बी सी डी मतलब चार, सी मतलब थ्री। तो अब ये क्या होगी दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन अगर कहें, ये क्या हो जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन। तो कंडीशन है ये जनरेशन वाइज क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों समझ में अब आ गया होगा उम्मीद करता हूं, स्टेटमेंट फॉर्म ये रहेगा, अल्फाबेटिकल फॉर्म में वही चीज है, नंबर फॉर्म में वही चीज है, और कोडिंग डिकोडिंग फॉर्म में इसका कोड वर्ड कर दिया गया, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में अब आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं, अब कुछ बच्चे ऐसे थे या कुछ लोग ऐसे थे जो बोल भी नहीं सकते, जो लिख भी नहीं सकते, वो पढ़ भी नहीं सकते, तो अब उनको क्या किया गया, तो ये ध्यान में रखा गया कि भाई वर्बल में तो 80% नहीं 90% लोग वर्बल में आ जाते हैं, ठीक है, जो कम्युनिकेशन को समझ लेते हैं। अब समस्या खड़ी थी उनके लिए जो कम्युनिकेशन को नहीं समझ पा रहे थे, तो दोस्तों जो नहीं समझ पा रहे थे उनके लिए क्या बनाई गई, नॉन वर्बल। क्या बना दोस्तों, नॉन वर्बल। और देखिए नॉन वर्बल क्या होती है, कि नॉन वर्बल का मतलब दोस्तों क्या होता है, ध्यान से समझिए, जिसमें भाषा का प्रयोग ना किया जाए, आभासी। तो आभासी अब हमारी कितनी तरीके से होगी, तो नंबर एक हमारा ग्राफिक्स, क्या होगा, ग्राफिक्स मतलब कोई आकृति बनी होगी, फिर हमारा क्या होगा, साइन, फिर क्या होगा, सिग्नल, फिर क्या होगा, सिग्नल। कहने का मतलब है कोई ग्राफ्स बना होगा, कोई साइन, कोई चिन्ह लगा होगा, कोई सिग्नल होगा, क्लियर, साइन, ग्राफिक, सिग्नल, जिसमें आपके इसका प्रयोग नहीं होगा, केवल चित्रों का प्रयोग होगा, उन्हीं चित्रों से आपको सारा सेंस जनरेट करना होगा। जैसे दोस्तों ग्राफिकल फॉर्म में हम चलते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में हमने कुछ नहीं किया, हमने इस तरीके से एक डायग्राम बना दिया और आपके बीच छोड़ दिया। उम्मीद है सभी लोग इसका नेम जानते होंगे, मैंने कुछ नहीं बताया दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे, स्वास्तिक बोलेंगे। क्यों, हमारी फैमिली में हमारे यहाँ पर पूजा पाठ अक्सर होती है, तो वहां पर ये चित्र हम बना देते हैं। अब यहाँ दूसरा एक और देख लेते हैं, हमने ऐसे किया, ये किया और ये बना दिया, मैंने तो इसका नाम नहीं बताया, आपके अंदर इसका सेंस जनरेट हो चुका है कि ये क्या है, ओम है। आपने बोला, मैंने नहीं बोला, ये क्या है, ओम है। दोस्तों और आगे चलते हैं, जैसे हमने कुछ देर के लिए आपको ऐसे बनाया, राइट, आपके अंदर फीलिंग जनरेट हो गई, मैंने अभी कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ चित्र बनाया,
तो दोस्तों आपके अंदर फीलिंग जनरेट हो गई, ये क्या है, हार्ट है, राइट। तो अब हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये ओम है, ये स्वास्तिक है, ये ओम है, ये हर्ट है, क्लियर। अगर मैं कुछ और ऐसा बना दूं इस तरीके से तो आपको नहीं पता चल पाएगा, नहीं पता चल पाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि ये चीजें क्या हैं, भूतपूर्व ज्ञान। ये क्या है, भूतपूर्व ज्ञान, यानी कि पहले से बचपन से हमको ये बताया जाता है कि इस चिन्ह का मतलब ये होता है, इस चिन्ह का मतलब ये होता है, और इस चिन्ह का मतलब ये होता है। ये बताता कौन है, ये हमारा समाज हमको बताता है, ये लोग हमको, मित्र हमारे लिए बताते हैं कि इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है। दोस्तों साइन, आप भी देखिए, कोई भी चीज अगर जोड़नी है तो अगर हम यहां पर ये चिन्ह लगा देंगे क्या बोलेंगे आप, प्लस है। हमने यहां पर ये लगा दिया, आप क्या बोलेंगे, माइनस है। हमने यहां पर ये चिन्ह लगा दिया, आप बोलेंगे भाग है। तो ये किसने बताया, ये आपको पहले से, ये आपको क्या पता है, ये आपको सारी चीजें पहले से पता है ना, भूतपूर्व ज्ञान है ना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल में क्या होगी, जिसमें सिर्फ आकृतियां बनी होंगी दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन वर्बल, राइट। जिसमें सिर्फ आकृतियां होंगी, उन आकृतियों पे हमें क्या करना होगा, अपना सेंस लगाना होगा, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए, ऑड फिगर, सेम फिगर, फिगर कंप्लीशन, डॉट डॉट एंड सो ऑन, वो मैं सब पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों वर्बल में मैं लगभग आपको 11 चैप्टर पढ़ाऊंगा, लगभग 11 चैप्टर, राइट। और दोस्तों इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी ये फिक्स नहीं है, बट एक अनुमान ले रहा हूं कि अगर 50 नंबर का कोई पेपर है तो उस 50 नंबर के पेपर में 35 मार्क्स इसमें से और 15 मार्क्स दोस्तों इसमें से आएंगे। तो दोस्तों अब हमने रीजनिंग का पोस्टमार्टम किया कि व्हाट इज रीजनिंग, क्या होती है रीजनिंग। तो एक बार रिवाइज कर देता हूं, रीजनिंग दोस्तों रीजन से बनी है। रीजन मतलब अगर यहां से देखे ये हटा देते हैं रीजन, तो ये क्या हो जाएगा, रीजन। आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, रीजनिंग। तो इसका मतलब है कि हर चीज का अब आप रीजन जानेंगे और रीजन बताएंगे। अब आपको हमेशा तर्क के साथ बात करना होगा। अगर आप जॉब भी करेंगे, अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, वाई आप लेट क्यों हुए, आपको जवाब देना होगा। तो दोस्तों क्या करना है, रीजनिंग, जिससे आपके ब्रेन का क्या होगा, विकास होगा, ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये कैसे होगा, क्लियर। सिक्स सेंस जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये कैसे बना, ये क्या है, इसमें मैं आपको 30 चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, इसमें मैं आपको 11 चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। अब दोस्तों हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब दूसरा समस्या एक क्या है बच्चों के सामने, कि रीजनिंग तो सभी पढ़ते हैं, बहुत सारी कोचिंगों में आप पढ़े भी होंगे, बट जब एग्जाम देने जाते हैं, बट जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपके सामने एक समस्या आती है। बाहर निकलते हैं और बोलते हैं यार पेपर बहुत हार्ड था, पेपर बहुत ज्यादा लेंदी था। चलो मैं मानता हूं पेपर लेंदी था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसी में कोई टॉप भी करता है, उसी एग्जाम में हाईएस्ट नंबर भी लाते हैं बच्चे, वाई क्वेश्चन मार्क लगा, क्यों, आपके लिए वो लेंदी था और उस बच्चे के लिए वो लेंदी नहीं था। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, टेक्निकल। क्या बनना है हमें, अब टेक्निक लगानी है। क्या लगानी है, टेक्निक लगानी है। अगर आप टेक्निक से पढ़ाई करेंगे तो इस जमाने में सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज नॉलेज आप कितना भी रख लो, अगर आप टेक्निक नहीं यूज करोगे, जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं दोस्तों, अगर 2G का मोबाइल लेके आप बैठे हैं इस जमाने में, तो क्या वो 4G के बराबर काम करेगा, नहीं करेगा। 5G अभी आने वाला है, क्या वो 4G के 4G से एडवांस होगा। आप कोई भी दोस्तों मोबाइल खरीदते हो, 1 ईयर के अंदर, 1 साल के बाद उसके फीचर आपको क्या लगने लगते हैं, ओल्ड लगने लगते हैं। जो नए साल मोबाइल आएगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, तो आपका मन करता है कि अब ये चीज होनी चाहिए। तो दोस्तों हमेशा अब हम रीजनिंग जिधर चल रहे हैं पढ़ाने, हमेशा हमको टेक्निक का प्रयोग करना है। आपको बेसिक भी जानना है, क्योंकि दोस्तों बेसिक से ही क्या बनता है, ट्रिक जनरेट होता है। तो अब हम आपको लेके चलेंगे दोस्तों, एक तरफ हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे,
एक तरफ हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा और दोस्तों एक तरफ हमारा ट्रिक्स चलेगा, क्लियर। एक तरफ कॉन्सेप्ट और एक तरफ ट्रिक, राइट। लंबा सफर है, लगभग 3 से 4 महीने आपके बीच रहना है दोस्तों। हर एक प्रश्न का हल आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए कॉन्सेप्ट से क्या होगा, आप एकदम बेसिक से चीजों को जानेंगे। जिसने नहीं भी पढ़ा है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस बच्चे को भी पढ़ाऊं जो बिल्कुल फर्स्ट बार पढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर मैं अभी इंटर पास हुआ हूं बट उसकी बच्चे की सोच बड़ी है, तो वो उसने अभी से परचेज किया हुआ है। तो दोस्तों मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा और टॉप पर ले जाऊंगा, आपको टॉप रीजनिंग दूंगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर आपका बनाऊंगा दोस्तों जिससे आप किसी भी एग्जाम को भेज सकें। और दोस्तों इसके ट्रिक, जहां पर संभव है, लेंथी ट्रिक है, नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, उसके पीछे का रीजन है, जब जो चीजें आसानी से हो सकती हैं उसे हम ट्रिक बता के आपको उलझाएंगे नहीं। जहां पर मुझे लगेगा कि यस बच्चे को यहां पर इतने मिनट में इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, देन ट्रिक बेटा जरूर बताऊंगा। और दोस्तों बहुत जल्द मैं आपको लाइव क्लास भी दूंगा, लाइव क्लास से आपके बीच में संपर्क करूंगा, जो क्वेश्चन आपका फंसता है उसको मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों जो भी वीडियो में डालूंगा, जो भी वीडियो में अपलोड किया हूं, जो भी हमारा वीडियो अपलोड है, जो भी वीडियो अपलोड है उसके जस्ट नीचे उस वीडियो की पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है, पीडीएफ फाइल पड़ी है, जैसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे उसमें दोस्तों उस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आपने वीडियो का लेक्चर देखा, फिर आपने पीडीएफ डाउनलोड की, क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर भी अगर आपको समस्या होती है तो दोस्तों व्हाट्सएप नंबर, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है उनको मैं व्हाट्सएप नंबर से ऐड कर दे रहा हूं। दोस्तों कोशिश करिएगा कि कम स्नैप करें, कोशिश करिएगा कि जो मैंने थ्योरी बताई है वो 99% आपके क्वेश्चन सॉल्व कर देगी। 1% जो क्वेश्चन बचते हैं आप वही पूछिएगा। आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैंने तो बैच ज्वाइन कर लिया, जैसे इसके पहले हो रहा था, बच्चे कर रहे थे, आपने फोटो क्लिक किया भेज दिया, फोटो क्लिक किया भेज दिया। दोस्तों थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाइए, आप भी दिमाग लगाइए। जब आपको लगे कि हाँ रियल में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, देन दोस्तों तभी आप सेंड करिए, तभी कोशिश करिए। क्योंकि जब आप मेहनत करोगे ना तो आपका ये तर्क शक्ति, मेंटल एबिलिटी अपने आप क्या होगी दोस्तों, अपने आप फ्लक्चुएट करेगी, अपने आप सोचने लग जाओगे। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए। और दूसरी बात, अब अपने आप को आप पॉलिश कर लीजिए पर डे, अपने आप को शाम को आप लोग पॉलिश करेंगे। पॉलिश मतलब आप अपने ऊपर वर्क नहीं करते हो, आप अपने आप पर पॉलिश नहीं करते, अपने आप को यह नहीं देखते हो कि कल मैं कहां पर लाइक कर रहा था, आज मैं कहां पर लाइक कर रहा हूं, कल मैं कहां पर लाइक करूंगा। डेली अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालिए और रीजनिंग के बारे में सोचिए कि आज रीजनिंग को 1 महीने हो गए मैं किस जगह लाइक कर रहा हूं, आज रीजनिंग को इतने दिन हो गए मैं किस जगह लाइक कर रहा हूं, आज मैथ को इतने दिन हो गए मैंने क्या किया। अगर दोस्तों आप टारगेट बना के वर्क करोगे तो मैं वादा करता हूं सफलता आपके कदम चूमेगी। और दोस्तों बगैर लक्ष्य के मेहनत करना सिर्फ समय की बर्बादी होगी। आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आप मेहनत किए जा रहे हो तो दोस्तों सिर्फ आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। एक टारगेट डिसाइड करिए, एक लक्ष्य बनाइए और उसको भेदने के लिए तन मन धन अपना सब कुछ लगा दीजिए। दोस्तों आप खुद ये चीज सोच के देखें कि 84 लाख योनियों के बाद एक मानव जीवन मिला है, अगर हम इसको ऐसे व्यर्थ कर देंगे, ऐसे चला जाएगा, तो दोस्तों हो सकता है
अगला जीवन, अगले बार आप क्या बन जाएं, हो सकता है चीटा बन जाएं, हो सकता है लिजार्ड बन जाएं। तो ऊपर वाले ने अगर आपको एक मानव रूप दिया है, ये मानव की काया दिया है, दोस्तों अपना सब कुछ लगा दीजिए, सब कुछ लगा दीजिए अपने लक्ष्य को पाने में। अपने माता पिता का चेहरा आप याद रखिए, डेली उनको देखा करिए कि कितनी मेहनत से क्या क्या करके वो आपको पढ़ा रहे हैं। किसी के पिताजी सब्जी बेच रहे हैं, किसी के पिताजी दूसरा काम कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं। तो दोस्तों सोचा करिए थोड़ा सा कि क्या मेरे पिताजी जिंदगी भर यही काम करते रहेंगे। डेली उनका चेहरा याद किया करिए, आंख बंद करके उनके बारे में सोचा करिए कि मेरे पिताजी सब्जी बेच रहे हैं। फिर आपके अंदर देखिएगा दोस्तों आग जलेगी, आग। और उस आग को तब तक आप जलाइए जब तक आप अपने लक्ष्य को ना पालें हमेशा। और दोस्तों उस जमाने में तो आपने श्रवण कुमार जैसे बालकों का नाम सुना होगा जो अपने मां बाप को कंधे पर रखकर चारों धाम की यात्रा करा दिए। आप दोस्तों अगर अपने मां बाप की उम्र बढ़ाना चाहते हैं, अगर अपने माता और पिता की उम्र बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ उन्हें नौकरी का तोहफा दे दीजिए। दोस्तों इससे बड़ा तोहफा आपके माता पिता के लिए कोई हो नहीं सकता। 20 साल आपके माता और पिता की उम्र बढ़ जाएगी, ये आप खुद महसूस करने लगोगे। तो सोचो दोस्तों सवाल किसका है, अपने माता और पिता की उम्र बढ़ाने का, सिर्फ नौकरी दे करके। और दोस्तों जहां तक मैं समझता हूं कि भारत में नौकरी पाना सबसे आसान है, बस आप मेहनत कर दो, 6 महीना सब कुछ त्याग दो। दोस्तों मैं वादा कर रहा हूं जिस नौकरी के लिए आप सोचोगे वो बन जाओगे। दोस्तों 21 से 23 साल की उम्र में भारत में लगभग 600 लोग आईएएस बन गए, 600 लोग आईएएस बन गए। उनके बारे में सोचा करिए थोड़ा सा कि आखिर वो क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे पढ़ते थे। थोड़ा सा उनके बारे में आप सोचेंगे तो आप खुद ही सोचने लग जाएंगे कि आखिर वो 23 साल में आईएएस कैसे बन गए। दोस्तों मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अब इस सफर में मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए उतर गया हूं, आपको मेरे साथ चलना है। छिन्नी और हथौड़ा मेरे हाथ में है, पत्थर आप हैं। अब मैं जितने ज्यादा जितनी अच्छे से चलाऊंगा, बस आप में सिर्फ सहन शक्ति होनी चाहिए। आपके अंदर जितनी सहन शक्ति होगी, पढ़ने की क्षमता होगी, उतनी ही अच्छी दोस्तों में मूरत बना दूंगा, उतनी ही अच्छी मैं मूरत बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब इस सफर पे चलेंगे और मैं और भी, अगर डायरेक्ट आप जानते हैं मैं आपसे डायरेक्ट कॉल पे बात करता हूं, जो भी मुझे फोन करेगा, बस मैं तब फोन नहीं उठा पाता हूं जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के वजह से शाम इवनिंग वाले बैच बंद कर दिए हैं, मैं ओनली मॉर्निंग में ही बैच लेता हूं, मॉर्निंग में ही मैं ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूं। इसके बाद मैं इवनिंग पूरा आप लोगों के लिए दे दिया हूं, आप लोगों के साथ मेहनत करूंगा। बस आप भी एकदम प्रिपेयर हो जाइए। और जब भी एक क्वेश्चन है बच्चे का, ये वीडियो दोस्तों इस पे पड़ा रहेगा, जब भी आप फ्री हो आप इसको ओपन करके देख लें। जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे दिन डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं पहला चैप्टर लेके आऊंगा तूफानी तरीके से। और पहली हेडिंग दोस्तों होगी, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये मेरी पहली हेडिंग होगी। बस आप तैयार रहिए, नेक्स्ट चैप्टर के चैप्टर स्टार्ट होने से, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा आप लोग एक्टिव हो जाइएगा और वर्क करना मेरे साथ स्टार्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।